हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा फ्रेंड। तो आज हम आपको एक डिज़ाइन बनाना सिखा रहे हैं। तो हमें इस तरीके का बोर्ड चाहिएगा फ्रेंड्स। तो इसको हम कागज़ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक पीस ले लिया है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, चार फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड। उसके बाद हम इसको इधर से और इधर से दोनों तरफ से दो दो इंच नाप लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो ये हमारा दो इंच आ गया फ्रेंड्स। तो हम इसको हम यहाँ दो इंच पे टिक कर देंगे। ऐसे ही इसको भी हम यहाँ से दो इंच पे टिक कर देंगे, लाइन लगा लेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, फिर आगे का फिर मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। तो ये हो गया इस तरीके से। तो पहले मैं इस पीस को कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा इस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक तय करने की ये ऐसे लगाएंगे। ये हो गया, ये हमारी तय लग गई है फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या करेंगे, अब एक पीस हम यहाँ लेंगे और इस तरीके से ऐसे, यानी कि हमें एक पीस से ये देखिए इसको पहले यहाँ ऐसे करेंगे और इसको यहाँ ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा। अब यहाँ से हम इसको दो इंच फिर से नापेंगे। जैसे हमने दो इंच यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, सेम ऐसे ही दो इंच हम इधर से लेंगे और यहाँ से लाइन लगा के इसको कट करेंगे। तो मैं पहले निशान लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको कट करना बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा निशान लग गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारा हो गया। तो ऐसे ही हमें इस तरीके का पीस चाहिए। ये मैंने आपको थोड़ा बड़ा काट के दिखाया फ्रेंड्स, आप चाहे कैसा भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इस डिज़ाइन का जो मैंने बनाया उसका इस्तेमाल करना बता रही हूँ। तो ये तो हमारा हो गया फ्रेंड्स। इसको करते हैं साइड में। और ये देखिए, ये हमने कुछ पीस लिए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरे चार पीस हैं। तो हम इसको रख के इस तरीके से और चारों तरफ से ऐसे निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद फिर हम इसको कट करेंगे। तो हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। आप तो चाहे किसी पेंसिल से का या पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया इस तरीके से। और बाद में कट करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमने तीन पीस लिए हैं, ये भी हमने तीन पीस लिए हैं। तो तीन पीस ये हैं, तीन पीस ये फ्रेंड्स, और ये हमने चार पीस लिए हैं। तो मैं इन सबको कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस कट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले एक ये पीस लेंगे और इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरीके से सेट होगा। और जो ये हमारे पीस हैं, इसको हम, ये मेरे तीन पीस बच गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे कट हो गए हैं। तो ये हमारे छह पीस हो गए हैं। तो इसको हम बाद में यहाँ पर इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से ये हो गया फ्रेंड्स। और ये हमने कुछ पीस लिए हैं, ये देखिए, ये हमारे दो पीस हैं और ये भी दो पीस हैं। ये हमारी मेरी पुरानी बेडशीट है फ्रेंड्स। तो हम इस डिज़ाइन के बाद हम इन पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने आपको एक पीस का हिसाब बताया है। तो ऐसे ही हम इनको दो पीस बना लेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने ये एक पीस का नाप बताया है आपको,
ऐसे ही हम दो पीस ले लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 8-8 इंच का दो पीस हैं जो बाद में हम इस डिज़ाइन के साथ जॉइंट करेंगे। तो मैं आपको सिलना बता देती हूँ कि ये फ्रेंड्स एक एक करके सिलना पड़ता है। पहले इसको हम यहाँ से सिलेंगे, फिर उसके बाद इस पीस को लेंगे और इसको यहाँ से सिल के यहाँ पॉइंट पे रोक के इसको इस तरीके से घुमाएंगे और फिर इसको यहाँ से सिल देंगे। तो मैं आपको सिलना दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने दो पीस ले लिए हैं, अब हम इनमें आपस में जॉइंट करेंगे। तो मैं आपको सिलना दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इस डिज़ाइन को सिलने में, इसीलिए मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई हो गई है, देखिए हो गई है। अब हम ये वाला पीस लेंगे, अब इस वाले को हम यहाँ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ जॉइंट करने से पहले फ्रेंड्स, पहले हम इसको यहाँ से सिलेंगे, क्योंकि हमारा येलो वाला पीस बीच में है। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ से सिलेंगे और यहाँ से जो हमारी ये यहाँ से सिलाई आई हुई है उसको यहाँ पे इस सुई को यहाँ छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद हम इसको इस पीस को यहाँ से जोड़ेंगे, घुमा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से सिल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा तो आपको डिज़ाइन सिलने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन आ गया है, बीच में लाइन आ गई है। तो हम इसी इस पीस को इस तरीके से घुमा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तो ये घूम गया फ्रेंड्स। अब हम इस पे यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नोक से नोक जुड़ी हुई आई है। इस तरीके से हमें फ्रेंड्स सिलना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको लेंगे जैसा हम डिज़ाइन बना रहे थे, इस तरीके से बनाना है। फिर इसको हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ डिज़ाइन की लाइन ख़त्म हो रही है, तो इस नोक पे हम इसको उसी तरीके से इधर पलट देंगे इस पीस को। तो हम सिल लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डिज़ाइन में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ट्रिक होती है सिलने की। तो ये देखिए, ये हमारा सिलाई आ गई है नीचे, तो सिलाई आ गई है। तो अब हम इसको फिर से इस पीस को हम घुमा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये भी हमारा सिल गया है और कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो ऐसे ही हम एक पीस करके सिल लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले इसको इस पे जोड़ेंगे यहाँ से। और ये हमारी सिलाई आ गई और हमें इसको पलटना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको इसका डायरेक्शन बदल दिया है। ऐसे ही अब ये हमारी लाइन आ गई है। तो हमें भी इसका इधर से भी डायरेक्शन बदल देना है। तो हम इससे भी यहाँ से भी सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये वाले पीस लेंगे और हमें यहाँ साइड में सिलने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम उस ट्रिक को अपना रहे थे ऐसे ही हम इसको भी इसी तरीके से सिलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से इसको रख के सिलना है। और जब हमारा ये बीच में जॉइंट आ जाए तब हमें यहाँ से रोक लेना है, फिर हम इसको फिर से डायरेक्शन बदल देंगे। तो ये हो गया हमारा, बीच में लाइन आ गई है। तो हम इसको फिर से इस डायरेक्शन में बदल देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान डिज़ाइन है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए सिल गया फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल बीच में आया है अच्छी तरीके से। तो हम ऐसे ही एक एक करके बाकी सारे भी डिज़ाइन सिल लेते हैं फ्रेंड। फिर उसके बाद आगे हम आपको पूरी तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट दिखाएंगे। तो मैं आपको ये डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और मैंने इस पर प्रेस कर लिया है। और देखिए, ये मेरा दूसरा पीस था जो मैंने आपको पहले ही बताया था
कि हमें दो पीस लेने हैं, पर मैंने आपका एक का नाप बताया था। देखिए अब इस तरीके से ये हो गया है कंप्लीट। और अब हमें ऐसे ही एक बोर्ड से इसको ऐसे रख के और इस पर निशान लगा लेंगे और इसको बीच में से गोलाई से कट कर देंगे। जैसा ये फ्रेंड्स हमने कट किया हुआ है ऐसे ही हम इसको भी कट कर देंगे। तो मैं कट कर करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे दोनों पीस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो ये कपड़ा लिया था ये हमारे दो पीस हैं। आप इसके नीचे फोम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फोम का कर लीजिए, वरना इस तरीके से शॉपिंग बैग आते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वो इसके नीचे लगाइएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको भी यहाँ रखेंगे। ये हमारे जो दो पीस हमने रखे हुए थे ये हमें इसके साथ जॉइंट करनी है, तो हम इसको भी बिछा लेते हैं। अब जितना भी है ये हम इस सारे पीस को गोल कर लेंगे, गोल तरीके से कट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने सारे पीस एक साथ रख लिए, ये हमने बोर्ड रख लिया है और हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने का तरीका फ्रेंड्स आपको मैं दिखा ही रही हूँ कि आप ऐसा एक बोर्ड काट के रखिए, वरना घर में कोई भी छोटा बर्तन ले लीजिए, गोल प्लेट ले लीजिए या फिर आप बड़ी कटोरी हो वो ले लीजिएगा, या फिर आप प्लेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इतना लीजिएगा फ्रेंड जो हमारे रोटी मेकर में रोटी के रुमाल के साइज का। तो ये मैं इसको कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये पीस कट कर लिए हैं। तो मैं इनको अपने इन पीसों को अलग अलग कर लेती हूँ। ये हमारे दो रुमाल तैयार होंगे। तो ये देखिए ये मैंने बिछा लिया है। आप इसमें फोम शीट का इस्तेमाल करेंगे या फिर शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कपड़ा थोड़ा थिक हो जाएगा, जिससे और भी अच्छा डिज़ाइन अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। तो ये मैं इनमें सब में पिनअप कर लेती हूँ फ्रेंड, ताकि हम पीस को सिलें। तो ये हमारा एक पीस ये तैयार हो गया और ऐसे ही हम इसको इस पीस को भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा ये दूसरा पीस भी तैयार हो गया। तो मैं इन सब पे पिनअप कर लेती हूँ और फिर मैं आपको सिलना बताऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इन सारे पीस में पिनअप कर लिया है। अब हम इस तरीके सिलेंगे। पहले हम ऐसे सिल के इस तरीके डब्बे से डब्बे को बनाएंगे। तो हम इन सारे डब्बों पर सिलाई कर लेते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स। पहले हम इस तरीके से सिल लेंगे फिर इसको इस तरीके से सिलेंगे, वरना आप इसके अंदर डिज़ाइन पे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैचिंग का यूज कर रहे हैं तो धागा आप मैचिंग का यूज कीजिएगा फ्रेंड्स। तो पहले आप एक डब्बा तैयार कर लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके हम एक एक डब्बा तैयार कर लेंगे और इसे हम सिल लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको सिल लिया है और देखिए जो भी मेरा एक्स्ट्रा था वो मैंने कट भी कर लिया है। देखिए खूबसूरत बनाए फ्रेंड्स और बिल्कुल फिनिशिंग से सिला है। तो ये देखिए पीछे से इस तरीके से आगे से डिज़ाइन। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमने ये दो पट्टियाँ ली हैं फ्रेंड्स। ये मेरी डेढ़ इंच की पट्टी है फ्रेंड्स और 4 इंच की इसकी लंबाई है। इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो ये हो गई हमारी फोल्ड पट्टी और ये मैंने कुछ पाइपिंग वगैरह काटी है ये और पाइपिंग पट्टी। तो इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर जॉइंट करेंगे। तो हम इस तरीके से मोड़ देंगे और हम पीछे की तरफ से लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो हम यहाँ इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसको चारों तरफ से इस तरीके से सिल देंगे। तब सारी तरफ से सिल के फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये पट्टियाँ भी हो गई हैं और ये मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए हमारा जोड़ किस तरीके से आएगा। ये जो पहले नीचे वाला है ये हमने फोल्ड कर लिया है यहाँ से और ऊपर वाला इसके ऊपर सिल लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इस पीस को पलटेंगे। पलटने के बाद इस तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स। पलटने के बाद हमें यहाँ से चारों तरफ से सिलाई लगानी है। हमें ये पलटना है फ्रेंड इस तरीके से। ये हमारी अच्छी तरीके से गोलाई आ गई है। अब हम इसको सिल के दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी गोलाई आ गई है। अब हम इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ से
इसको चारों तरफ से सिल के यहाँ इसको बंद करेंगे और फिर हम इस पट्टी को लेंगे इस तरीके से और इसे हम पीछे की तरफ यहाँ जॉइंट कर देंगे, यहाँ सिल देंगे, इसको जॉइंट कर देंगे। तो मैं ये सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये रुमाल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए। इसमें हमारा पुराना कपड़ा भी यूज हो गया और हमने नया डिज़ाइन भी बना लिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा दोनों कपड़े जॉइंट होके अच्छा यूज हो गया है। तो आप भी ऐसे रोटी के रुमाल बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।